देसी ठेठ अंदाज, आक्रामक तेवर और हरियाणवी जुबान। जी हाँ, कुछ यही अंदाज है हरियाणा की डांस सनसनी, हरियाणा की शान सपना चौधरी का। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ माधुरी और इस वक्त हरियाणा की शान सपना चौधरी हमारे साथ है। तो सपना, बॉलीवुड में जाने का प्लान कर रही है कुछ? हाँ, है, अब मैं कर रही हूँ। अच्छे अच्छे ऑफर आ रहे हैं तो मैं जरूर करूंगी, लेकिन ये नहीं छोड़ूंगी, ये नहीं छोड़ूंगी, ये नहीं क्योंकि छोड़ूंगी। रागिनी को बनाने वाली सपना ही है। नहीं, मैं नहीं हूँ। बहुत हैं जो बहुत कुछ छोड़ के गए हैं हमारे पीछे से, हरियाणा के आप गॉड फादर बोल सकते हैं, जिन्होंने जिन्होंने हिस्ट्री छोड़ी है। बस उसी को थोड़ा सा तड़का वड़का लगा के मैंने नए तरीके से, नए सिरे से, जो हमारा आज का यूथ सुन सके, उस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती कि रागनी, जो रागनी बहुत हमारा फोक है, रागनी हरियाणा फोक है, और ये वो चीज़ है जो हमारी हिस्ट्री को हमारे प्रेजेंट में प्रेजेंट करता है। तो वो जो बीता हुआ कल है, हम आज के बच्चे आज के दौर में जी रहे हैं, आज के दौर में जी रहे हैं, उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि रागनिया हमने बनाई है या ट्रेंड हमने किया है। बहुत बहुत बड़े हैं जिनका शायद मैं आपको नाम भी बताऊं तो हरियाणा ही समझ सकता है उनको, और कोई नहीं समझ कोई सकता। नहीं समझ सकता, नहीं ऐसा नहीं है सपना, बहुत लोग समझते हैं और बहुत लोग आपके फैन हैं उस रागिनी और परफॉर्मेंस को लेकर ही। लेकिन बॉलीवुड का तड़का अलग होगा सपना, आपने कहा ये मैं नहीं छोड़ूंगी, कैसे मैनेज करेंगे? अगर आप बॉलीवुड में जाती हैं तो क्या चाहती हैं? मतलब एक्टर डायरेक्टर कोई फेवरेट है ऐसा जिसके साथ, आपने कहा था एक बार सुभाष घई का नाम आपके मुंह से मैंने सुना है, तो उनके साथ काम करना चाहती हूं। हाँ, सुभाष घई, संजय लीला भंसाली, मतलब मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जो वो ही दिखे जो मैं हूँ, अलग नहीं। एक आर्टिस्ट को काम करने से पहले वो काम पसंद होना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो निखर के नहीं आता, वो कर ही नहीं पाता। तो मैं ऐसा काम करना चाहती हूँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। सपना की फेवरेट हीरोइन कौन है? फेवरेट हीरोइन दीपिका, और जिनसे मैं मिल रही हूँ और मुझे माधुरी बहुत पसंद है, ऐश्वर्या राय बहुत पसंद है, प्रियंका चोपड़ा बहुत पसंद है, कंगना रनौत बहुत पसंद है। Then you like that elegance, yeah. grace आपको पसंद है और यही आप चाहती हैं? सबसे बड़ी बात, मुझे विद्या बालन बहुत पसंद है। उनमें एक काबिलियत ऐसी है कि उनको हीरो की जरूरत नहीं पड़ती, वो इनफ है अपने लिए, उनका जो है वो खुद है। तो रागिनी के बाद सपना का अगला स्टेप मैं एक्टिंग कहूँ या बॉलीवुड कहूँ तो गलत नहीं है? नहीं, सपना का अगला स्टेप क्या है? बॉलीवुड। बॉलीवुड, तो बिग बॉस करने से पहले सोचा था कि इसके बाद शायद मेरे लाइफ में कुछ चेंजेस होंगे या ऐसा कुछ देखने? नहीं, मैंने नहीं सोचा था, लेकिन हुए, बहुत चेंजेस आए। सपना, आपने कहा सोशल मीडिया आवाम है, सोशल मीडिया ही वो जरिया है जिसके चलते आप रागिनी को लेकर, जिस गाने को लेकर आपको ट्रोल किया गया था और जिसके बाद शायद आपने उस सफर में एक बहुत बड़ा पहाड़ देखा, एक बहुत बड़ा मुसीबतों का पहाड़ देखा, अगर मैं गलत नहीं कह रही। क्या दौर था वो, क्या हुआ था? वो उसके बारे में तो वो बहुत ज्यादा आप नहीं, मुझे पता है बोलेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा बहुत वो हमें शेयर हो गया हो, हाँ के भी खत्म हो गया। लेकिन मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगी कि वो हरकत करके मैं आज तक पछताती हूँ। शायद मेरी वो पहली और आखिरी गलती होगी कि मैंने बिना सोचे समझे ऐसे कदम उठाया। मैं सच बताती हूँ कि प्लीज कोई मत करना, वो बहुत गलत होता है। मैं 2 महीने तक, जब मैंने पॉइजन ली, जब मैं इतना परेशान नहीं हुई, लेकिन उसके बाद 2 महीने जो मेरी हालत खराब हुई है, वो शायद मैंने जिंदगी में, मैं चाहूंगी भी नहीं दुश्मन की भी ऐसी हालत खराब हो। तो प्लीज ऐसा कदम ना उठाइएगा, आपके पीछे आपके अपने हैं, आपका परिवार है, और परिवार से ज्यादा दुख आपके लिए किसी को भी नहीं हो सकता। सपना चौधरी की आंखों में आंसू देख के अगर मैं पूछूं कि सबसे करीब कौन है सपना? सबसे करीब माँ, भाई, बहन, सबसे करीब टीम, पूरी टीम, पूरी टीम। मम्मी के बारे में तो जितना भी मैंने पढ़ा है, शी इज फाइटर। या सपना भी उसी तरह है, उतनी ही जिद्दी, उतनी ही फाइटर, उसी संघर्ष पे चल रही है। मम्मी और मेरी लड़ाई होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं जीतेगा कौन। सपना, आपके जाने से पहले बहुत कुछ हमने जो आपके बारे में पढ़ा है, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं, आपके बारे में हम लोग, क्योंकि अब आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आपके लिए लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं आपके बारे में, तो सपना को मर्दों से बहुत नफरत है ऐसा भी मैंने कहीं पढ़ा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को मर्दों, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। मैंने बातें उनकी की है जिन्होंने गलत किया है,
तो ऐसा नहीं है मर्दों से नफरत है, ये तो बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे इंसान देखे हैं मेरी लाइफ में जो बहुत हेल्पफुल हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसे ही मर्द मैंने अपनी ही लाइफ में देखे हैं जो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। हेल्पफुल तो बहुत दूर की बात है, उन्हें शायद हेल्प का मतलब ही नहीं पता। पता हाँ तो पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, मैंने बोला ना, सॉफ्ट के साथ सॉफ्ट और टफ के साथ टफ। सपना, हरियाणा वो जगह है जहां कभी मैं गलत नहीं हूं अगर, तो लड़कियों को, लड़कियां पैदा होने पर भी लोग दुखी होते थे। आप हरियाणा में वो जगह पा चुकी हैं जहां आप हरियाणा की शान कहलाती है। उस जगह पर 10 साल की उम्र से वो संघर्ष शुरू करना कितना मुश्किल था सपना के लिए? बहुत मुश्किल था, पहले बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ मैं बहुत रोई हूँ कि क्या होता है ना कि जब कोई नहीं होता तो सिर्फ हम ही हम होते हैं। हमें अपने से ही बात करनी होती है, अपने आप को ही समझाना होता है, और किसी की भी जिंदगी में कुछ भी कठिनाई आए, कुछ भी परेशानी आए, तो मैं एक बात जरूर कहूंगी कि देखो, दूसरों की मत सुनो। जो आपको राय, आपका दिल दे सकता है, वो दुनिया की, दुनिया का कोई कोना, दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता। तो लाइफ जीने में बहुत इजी हो लाइफ जाएगी, जीने में इजी हो जाएगी और उसे एंजॉय कीजिए भी इजी हो बहुत जाएगी। इंजॉय करेंगे आप, सपना और ये पैसा रोक के मत रखिए, खर्च खर्च करेंगे तो कीजिए। खुश रहेंगे। तो सपना के सबसे करीब है मम्मी। आपने एक बात बहुत बहुत, जब आपका ये था एक टास्क था, मैंने देखा कि जब राज खोलने वाली बात थी, कि ऐसा राज जो सिर्फ आप जानते हैं, अच्छा, सपना वो राज बाहर दिखाए पुलिस हाँ बिल्कुल गए दिखाया गया था। आपने अगर नहीं देखा है तो हमें पता है कि सपना आईपीएस बनना चाहती थी, पुलिस थे, आईएएस। आईएएस बनना चाहती थी और पुलिस में जाना चाहती थी। तो सुष्मिता से सपना, सुष्मिता शायद आप, एक जिक्र मैंने ये भी पढ़ा था कहीं पे हाँ, कि मेरे पापा सुष्मिता, लड़े थे कि सुष्मिता नाम सुष्मिता रखना नाम है रखेंगे। मुझे। तो सुष्मिता से सपना और सपना का वो सपना का वो ड्रीम जो पुलिस वाली बनने का था, वो क्या कहानी है? मुझे मेरे को शुरू से जब मैंने जिंदगी स्टार्ट की, समझना स्टार्ट किया, तो मुझे ये दिखने लगा कि सबसे ज़्यादा जो पावरफुल है वो पुलिस वाले हैं, और कोई नहीं है इस धरती पे। क्योंकि पुलिस वाले ऐसे होते हैं जो सबकी, बाट लगा सकते हैं गलत को सही कर हाँ सकते हैं। बिल्कुल। और फिर मुझे मेरा ये हो गया कि मुझे आईएएस की पढ़ाई करनी है, अगर मैं बनूंगी तो वो बनूंगी, ताकि मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, मैं किसी को बताऊं ना कि मैंने क्यों किया, मैंने किस लिए किया। मेरा हाथ में डंडा होना चाहिए और मैं सबको और सामने सुधारूंगी पिटने वाला बस, और कुछ नहीं था। मैं सबको लेकिन सुधारूंगी। हाँ, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, और मम्मी को मैं कभी परेशान नहीं करना चाहती। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ये समझ रहे थे सपना कि ये हम कैमरों के अंदर हैं और कैमरों के अंदर हमें क्या बोलना है क्या नहीं। सपना नहीं ऐसी नहीं थी, नहीं जो है क्योंकि वही मेरा थी। था ही नहीं कुछ, मैं तो 2 घंटे घूमी हूं, मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ राज ही नहीं है। हम खुली किताब हैं, जो भी हाँ। चीजें हैं वो सबके सामने होती है। 26 साल की सुष्मिता के घर पे शहनाई कब बजने वाली है? मैं सपना, 26 साल की नहीं ओह हूं, आई एम सॉरी, ये तो आप अपनी उम्र, मतलब बहुत गलत होगा मैं ये मैं पूछ रही 22 साल की हूँ, चलिए तो 22 साल की सपना काम है कर करके 26 साल की लगने लगी मैं। तो सपना के घर पे शहनाई कब बजेगी? अभी बहुत टाइम है। क्या कुछ सोचा है सपना की? हर लड़की का एक सपना होता है, हाँ, लड़का मिले तो हवाएं रुक जाए, पेड़ गिर जाए, झरने ये थम फिल्मी हो गया सपना, जाए। ये फिल्मी हो गया, जेन्युइन सपना वाला तो एकदम मिलेगा ही नहीं ना ऐसा। नहीं तो फिर आप मेरी उस बात को सही साबित कर रही हैं कि आप लड़कों से नफरत करते हैं। लड़को लड़का ऐसा होना चाहिए ना, उसके चेहरे से कोई प्रॉब्लम है, चाहे काला भी चलेगा, ना उसके फेस कट से सपना कोई बहुत प्रॉब्लम लोग है, फैन हैं आपके, सब सुन रहे हैं ध्यान से। ना उसकी फेस कट से कोई प्रॉब्लम है, जेन्युइन होना चाहिए। प्यार जरूरी नहीं होता, एक रिश्ते में जरूरी होती है रिस्पेक्ट एक दूसरे की और विश्वास। और विश्वास। अगर ऐसा मिला तो करेंगे, नहीं तो मम्मी ढूंढ रही है या आप सपना खुद करेंगी? मम्मी ने तो कईयों को भेज दिया वापस, दिखाती हैं भेज देती हैं, दिखाती हैं भेज देती हैं। बाकी मैं बोलती हूँ एक ही डायलॉग है, दुनिया इधर जाएगी दुनिया उधर जाएगी, लेकिन मेरे वाला तो मेरी मम्मी अरे लाएगी। वाह, ये बात हुई। अच्छा सपना, कौन सा गाना सबसे फेवरेट है आपका? क्यों रागिनी का ही मुझे कोई, क्योंकि आपका जो रागिनी है उसमें बहुत सारे डायलॉग्स आपके होते हैं और वो डायलॉग्स की वजह से वो रागिनी यहां से यहां होती है, तो मुझे कुछ सुना दीजिए। पल पल बहुत अच्छा लगा सभी को,
और मैं आपके साथ डांस करूंगी। वो गाना तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आई लव दैट व्हाइट साड़ी जो आपने ब्लू के साथ पहना था जब दीपिका थी। मेरी साड़ियां ट्रेंड हुई है। पल पल बहुत अच्छा है, मेरे को वो रियली खुद मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है वो। उसमें जो लड़की की तारीफ है बहुत अच्छी है। अच्छा। और लड़की, हर लड़की चाहती है कि ऐसी तारीफ होनी चाहिए पर्दे के अंदर जो वो खुद भी सुन सके। तो वही गाना मैं सभी को सुनाऊंगी, बिल्कुल आपके फैंस के लिए। तेरी आँखा का यो काजल, मन कर से गोरी घायल, तू सहज सहज पा धर ले, मेरा दिल धड़का वे पायल, ओ मन पल 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 याद तेरी तड़पा वे से है, तेरा रूप जिगर में रड़के आग लगा वे से। बिल्कुल गुड गुड गुड। पूरा रूटीन क्या रहता है अभी बिग बॉस से निकलने के बाद? बहुत सारे इंटरव्यूज कर रही होंगी आप ना? अभी तो मैं 3 दिन से इंटरव्यू में लगी हूं। बाकी रूटीन क्या रहता है बिग बॉस? बिगड़ गया रूटीन। अच्छा, कितने शोज होते हैं, कैसा लाइफ होती है? मम्मी को कितना परेशान करती हैं? नहीं, मम्मी मेरी परेशान नहीं होती, बल्कि मम्मी को मैं बहुत परेशान करती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन वो खुद परेशान नहीं होती, उन्हें तो अच्छा लगता है। मैं आई तो सबसे ज्यादा खुशी वो थी, बाकी है एक दो जो खुश थे, बाकी क्या कर सकते हैं, उनकी खुशी शायद इतनी नहीं देखी जितनी मुझे मम्मी की थी। मम्मी की थी। क्या रूटीन है अभी आपका? रूटीन कुछ नहीं, सुबह उठना, कभी कभी हो जाता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नहीं कहूंगी मैं रोज नहाती हूँ, ना कभी नहीं, कभी कभी हो जाता है कि नहीं नहाना पड़ता, इतनी जल्दबाजी इतनी हो जाती है, मन तो नहाने से कौन परेशान होगा, शरीर खुल जाता है, फ्रेश हो जाता है, लेकिन बिजी इतने हो जाते हैं कि वो 5 मिनट भी इतने कीमती लगने लग जाते हैं आपको। खाना छोड़ देना, नहाना छूट जाता है, खाना छूट जाता है, शोज छूट जाते हैं जो मेरे पर्सनल फेवरेट्स हैं, और मैं जिस दिन फ्री होती हूँ मैं उसी दिन उनको रिपीट करती हूँ। शो में मैं कितने भी जल्दी घर से निकलूं मैं लेट ही पहुंचती हूँ। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि 1 घंटे पहले निकलूं, 1.5 घंटा पहले निकलूं, लेकिन पता ही नहीं क्या भगवान ने क्या लिखा है किस्मत में कि लेट ही पहुंचना होता है। तो मतलब आप बॉलीवुड धीरे धीरे आप जाने की जो कोशिश कर रही हैं उसी रूटीन में है। उसी रूटीन। अच्छा, सलमान से कोई खास उम्मीद है आपको? क्योंकि आप, क्योंकि उनकी एक इमेज है कि वो जिस पर भी हाथ रख दें या जिसको भी वो मौका देने में बहुत खुले दिल के हैं, तो लगता है क्योंकि बहुत करीब आप रहे उनके इस बिग बॉस के दरमियान और बहुत खुल के बातें भी हुई, वो आपको पर्सनली जाने लगे, और मुझे अभी भी याद है जब आप एंटर हुई थी और वो डांस सलमान के साथ बहुत हिट किया। बहुत अच्छा था। कैसा कुछ है? बड़े मजे आए वो डांस उनके साथ करने में, और मैं उस टाइम बहुत नर्वस हो गई थी कि सलमान मेरे साथ डांस करेंगे, बहुत बड़ा मौका लगता है। बहुत बहुत मैं उनको देख रही थी और कर रही थी, देख रही थी और कर रही थी, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि सलमान मेरे साथ डांस करे। वो बहुत अच्छे हैं, और उनका मन करेगा तो मैं यूं नहीं कहूंगी कि मुझे सलमान के साथ काम चाहिए, मैं उनको उनको परेशान नहीं करूंगी। अगर उनको कुछ लगे कि मेरे अंदर ऐसी काबिलियत है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं जरूर। अच्छा, तो आपका फेवरेट गाना जो आपने आपने गाया वो है पल पल, और अगर मैं आपके साथ डांस करना चाहूँ तो कौन सा फेवरेट गाना है? नायक नहीं खलनायक हूँ। अच्छा। नहीं, रागिनी, रागिनी वाले। रागिनी मुझे संजय दत्त पसंद है, मेरा रह गया संजय दत्त।